अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इन्फिनिक्स नोट 12, इन्फिनिक्स नोट 12 की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके कुछ तमाम स्पेसिफिकेशन वगैरह मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी क्लिक किया करें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जो मेरे पास मोबाइल मौजूद है ये गोल्ड कलर में है, तो इसका गोल्ड कलर भी चेक करेंगे कैसा है और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन मेन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इसकी तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने, प्राइस और इसका कैमरा कैसा है, इसकी तमाम चीज़ें जो है वो कैसी हैं, तो वो मैं आपको अनबॉक्सिंग के साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसमें जो मेरे पास मोबाइल मौजूद है 128 GB बिल्ट इन मेमोरी है, इसमें 6 GB रैम है और 5 GB इसमें एक्सटर्नल रैम दी गई है, आप इसको 11 GB तक कर सकते हैं। इसमें जो चिपसेट यूज़ किया गया है प्रोसेसर वो है मीडिया टेक का हेलो G88। इसमें एक और मोबाइल भी आया है वो है G96, तो उसमें 8 GB रैम है, 256 बिल्ट इन मेमोरी है, वो थोड़ा महंगा है। तो इसमें जो बैटरी जो दी गई है वो 5000 mAh की बैटरी दी गई है। जो जो इसका डिस्प्ले है 6.7 का इसका डिस्प्ले है, AMOLED का FHD आपको वाटर ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसकी रेजोल्यूशन है 1080 और इसमें जो मेन कैमरा है, बैक कैमरा, वो आपको 50 MP का देखने को मिलता है 50 MP का, और जो इसका फ्रंट कैमरा है वो 16 MP का आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो फ्रंट कैमरे में जो है आपको दो फ्रंट पे डुअल LED फ्लैश भी देखने को मिलती है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसकी जो चार्जिंग है वो भी मैं आपको बता दूं, फास्ट चार्जिंग इसमें दी गई है, 33 वाट की इसमें फास्ट चार्जिंग भी मौजूद है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, बाकी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करता हूँ आपके साथ अनबॉक्सिंग के साथ साथ। हैं यहाँ पे 128 GB बिल्ट इन मेमोरी है और 6 GB रैम है, इसको जो हम 11 GB तक एक्सटर्नल रैम के साथ जो है इसको कर सकते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं इसमें कौन सा कलर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, तो ये काफ़ी तेज़ है तो इसने मैंने जो है इसकी अनबॉक्सिंग को रिमूव कर दिया है, तो कट लगा दिया है। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, इसको पन्नी को देते हैं साइड पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं AMOLED का डिस्प्ले भी आपको देखने मिलता है 6.7 का, और इसके तमाम फिर देखते हैं इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह और तमाम इसकी जो चीज़ें इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलती हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं रिमूव, तो ये निकल गया है। तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो सनसेट गोल्ड कलर है, तो सनसेट गोल्ड का गोल्ड कलर भी इसका चेक कर लेते हैं कैसा सनसेट गोल्ड कलर इसमें दिया गया है। तो हमने इसको सेट कर दिया बॉक्स को, यहाँ पे हमारा मोबाइल जो है वो निकल गया है। तो यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे जो है इसके रैपर पे भी यहाँ पे दी गई हैं कि आप इस पर देख सकते हैं, तो जो मैंने आपको बताई हैं। तो ये हमारा मोबाइल जो है आ गया बाहर, तो इसकी पहले तो कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह देख लेते हैं, पहले तो उसका बैक लुक देख लेते हैं। तो कलर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा कलर है, मुझे लगता है इस जो मोबाइल का जो कलर है ना वो इससे अच्छा कलर इस मॉडल में नहीं है, जो दूसरे कलर हैं वो शायद इससे अच्छे हों। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त कलर है। तो यहाँ पे देखें गिलास टाइप का जो है यहाँ पे दिया गया है, तो गिलास टाइप का जैसे लग रहा है यहाँ पे, जैसे गिलास होता है। तो यहाँ पे आपके फिंगर के जो है निशान तो आ सकते हैं, लेकिन कलर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिया गया। तो पहले जो है वो वीवो काम कर रहा था अपनी खूबसूरती के ऊपर और उसकी डिवाइस जो है बहुत ही ज़बरदस्त थी, लेकिन जो है अब इन्फिनिक्स ने बहुत ही ऐसे अच्छे अच्छे मॉडल निकाले हैं जिनके लुक है बहुत ही प्यारा है, जो वीवो को जो है एक साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आपको यहाँ पे देखने को मिलती है हैंड फ्री जैक, और उसके बाद जो यहाँ पर एक माइक है, इसके बाद टाइप सी की डाटा केबल यहाँ पर यूज़ की गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप स्पीकर ग्रिल है, तो स्पीकर है यहाँ पर, इसको ऑन कर दिया। तो बाकी इस का सामान देख लेते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये इसका बॉक्स हमने यहाँ से ओपन कर लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें मिल गया है एक, ये तो इसके शॉप्स एड्रेस वगैरह हैं, बाकी ये विनर फ्री होम तो एक्सपर्ट पार्ट ये क्या है, तो इसके बाद जो है डॉलर का ये क्या चीज़ है। तो ये इसका वारंटी कार्ड है, वारंटी कार्ड को हम साइड पे कर देते हैं। बाकी इसका जो है ये हॉट 11 में भी इसी तरीके का जो है बैकअप कवर दिया गया था, जो मैंने कल परसों अनबॉक्सिंग की है, और इसका भी एक ही सेम टू सेम है तकरीबन। तो इसके बाद जो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पे देखते हैं इसके फास्ट चार्जिंग हमें इसमें कितनी दी गई है। तो यहाँ पे हमारा जो चार्जर है वो भी 33 वाट का, अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको स्क्रीन में नज़र आया, तो 33 वाट की जो फास्ट चार्जिंग इसमें हमें चार्जर भी देखने को मिलता है। तो इसके बाद ये डेटा केबल है टाइप सी, जो टाइप सी इसमें एक अच्छा ऑप्शन है न्यू मॉडल के हिसाब से, टाइप सी तो अब सब मोबाइल में आना चाहिए, काफ़ी कंपनी ऐसी हैं जो अभी जो है टाइप सी का ऑप्शन नहीं दे रही। तो ये थी इसमें बस डिटेल्स, तो बाकी और हम इसको कर देते हैं साइड पर, इसमें जो है हैंड फ्री नहीं दी गई। तो अब हम अपने मोबाइल को सेटअप कर लेते हैं और इसका कैमरा वाला टेस्ट कर लेता हूं, मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये इसका कैमरा कैसा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो प्राइस मैं आपको बता दूं कि प्राइस जो है आपको ये मार्केट में 28,500 से लेकर 29,000 तक का मिल जाएगा, 128 GB 6 GB रैम वाला, और जो 256 है वो आपको जो है 30,000 से ऊपर देखने को मिलेगा, 31-32,000 रुपये का आपको मार्केट से मिलेगा। तो इसके जो ऑफिशियल प्राइस हैं वो 31,000 तक हैं, लेकिन ये आपको ऑफलाइन मार्केट में जो है डिस्काउंट के साथ 28,500 28,000 तक या 29,000 तक फाइनल आपको ये मार्केट से आसानी मिल जाएगा। तो चलिए इसको टर्न ऑन कर लेते हैं, उसको सेटअप कर लेते हैं।
तो मोबाइल मेरा सेटअप हो चुका है और मैं इसमें आपको पहले सेटिंग में जाके इसकी कुछ डिटेल्स आपको दिखा दूँ ताकि आप इसको देख सकें अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स नोट 12 तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ फिलहाल, इसका नाम लिखा हुआ है और 11 पॉइंट वर्जन है इसमें, आप 11 पॉइंट वर्जन देख सकते हैं। और इसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जी मीडिया टेक है हेलो जी 88 चिपसेट आपको देखने को मिलता है। इसके बाद फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, 50 मेगापिक्सल का मतलब 50 मेगापिक्सल का आपको इसका बैक कैमरा देखने को मिलता है, ट्रिपल कैमरा मौजूद है इसमें। और इसमें देखें रे जो बॉक्स पे दिया गया था कि आप इसकी 11 GB रैम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि 6 GB से आप इसको 3 GB प्लस कर सकते हैं, आप 9 GB इसकी रैम को कर सकते हैं। तो इसमें 11 GB का ऑप्शन मैंने गलत बता दिया आपको, बॉक्स के ऊपर जो लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स पे दिया गया 11 GB तक आप इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद जो है वो 9 GB का ऑप्शन है, तो ये तो गलत लिखा हुआ है इसके ऊपर फिलहाल। तो 5000 mAh बैटरी है, 1080 की रेजोल्यूशन है। बाकी इसका कैमरा टेस्ट करता हूँ मैं, केवल पहले मैं आपको कैमरे के फीचर बता दूँगी कि इसमें क्या कौन से ऑप्शन है कैमरे में, ताकि फिर मैं आपको जो है इसके कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा कैमरे की। इस मोबाइल में सिर्फ अगर कमी आती है तो वो कैमरे की आती है, तो वो मैं आपके साथ अभी बताता हूँ, आपको कुछ थोड़ा टेस्ट कर लूँ इसको ज़रा, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले आप इसके कुछ ऑप्शन देख लें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरे में आपको जो शॉर्ट वीडियो ऑप्शन मिलता है, वीडियो ऑल कैम ब्यूटी कैम, इसके बाद पोर्ट्रेट मोड है, उसके बाद सुपर नाइट मोड है, एयर शूट है, स्लो मोशन है, पैनोरामा है, प्रो मोड है, डॉक्यूमेंट्स है, टाइम लैप्स है। तो ये तमाम ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो अब इसकी कुछ मैं फोटो वगैरह ले लेता हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर दूँगा आपके साथ, ताकि आप इसके कैमरा डिटेल्स को भी चेक कर सकें। अच्छा तो मैंने इसका कैमरा टेस्ट किया है, तो कैमरा मुझे इसका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, खाम खाई के 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया कि 50 मेगापिक्सल कैमरा, तो इसमें कैमरा बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। उसके अलावा आप गेमिंग के हवाले से, लुकिंग के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से ये मोबाइल ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इसकी फ़ोटो भी दिखा देता हूँ जो फ्रंट कैमरे से उन्होंने बैक कैमरे से लिया था। आप फ्रंट कैमरे की फ़ोटो देख सकते हैं, ये इतनी खास नहीं है, ये शायद आपको वीडियो में सही महसूस ना रही हो, लेकिन इसमें जो है एक क्लियरपन नहीं है इस वीडियो में जैसे आना चाहिए 16 मेगापिक्सल में। तो मेरे पास जो मोबाइल जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी मेरे पास जो मोबाइल है इसमें भी मेरे ख्याल से 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, लेकिन इससे बहुत बेहतर है, मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है। तो इसके बाद जो है इसके बैक कैमरे की फ़ोटो है, बैक कैमरा भी इतना खास नहीं है, तो मैंने इसको जो है ऐसे पकड़ के सेल्फी के मोड में मतलब कि बैक कैमरे से फ़ोटो लिए, तो वो भी मुझे इतनी खास नहीं लगी। आप ये मोबाइल जो है कैमरे के हवाले से बिल्कुल भी ना लें, अगर आप एक कैमरे के हवाले से मोबाइल लेना चाहते हैं फ़ोटो के लिए वीडियोस के लिए, तो ये आप इन्फिनिक्स टेक्नो का मोबाइल कभी भी ना लें, मैं आपको यही राय दूँगा। और अगर आपने कोई कैमरे के हवाले से मोबाइल लेना तो आप जो है ओप्पो या वीवो का आपको मोबाइल लें, इन्फिनिक्स और टेक्नो आप ना लें, तो इनके जो कैमरे हैं वो इतने ख़ास नहीं हैं। आप सैमसंग में जो है इस प्राइस रेंज में एक अच्छा कैमरा है, इससे अच्छा कैमरा आप जो है सैमसंग में या फिर ओप्पो में या वीवो में आप इससे ले सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें बाकी डिटेल्स की बात करेंगे, रैम की और मेमोरी की और इसके गेमिंग प्रोसेसर की, उस पर आप बात करेंगे तो आप इसको इससे अच्छा मोबाइल नहीं मिलेगा। तो इस प्राइस रेंज में गेमिंग के हवाले से, सॉफ्टवेयर वगैरह रन करने के हवाले से आपको ये मोबाइल बेस्ट है, इसके लुकिंग वाइज बेस्ट है, लेकिन कैमरे के हवाले से आप ये मोबाइल कभी भी ना लें। तो यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है जो आपको देख सकता है, पावर ऑन बटन में है, वॉल्यूम बटन है, और उसके बाद यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, वो फ्रंट कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। बाकी लुकिंग वाइज बहुत ही खूबसूरत है, ये ऐसा लुक है कि मैं वो कहता हूँ कि जैसे कि पहले वीवो जो है छा गया था एक दफ़ा कि उसकी मोबाइल जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन अब जो है इन्फिनिक्स में इस पर काम करना शुरू कर दिया है। अगर इन्फिनिक्स जो है अपना इस मोबाइल में अगर कैमरे को बेहतर कर देता है, तो इन्फिनिक्स जो है वीवो ओप्पो को पीछे छोड़ देगा, इसलिए अब बहुत ही अच्छे और खूबसूरत डिज़ाइन में ये इस मोबाइल अपने मोबाइल को बना रहा है, बस इनको काम करना है अपने कैमरे के ऊपर। तो ये थी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।